परिषद में जो इंद्रेश जी चेयरमैन चुनी गई और मनीषा जी वाइस चेयरमैन चुनी गई, उनके अभिनंदन के लिए यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। आप सबने अपनी आंखों से देखा लोगों में किस तरह जोश और उत्साह है। ये इन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति और मोदी जी मनोरथ के प्रति जो आज भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उसका कारण है कि मोदी जी ने कहा है देश प्रथम, और हमारे जो विरोधी दल है वो कहते हैं परिवार प्रथम। देशभक्ति का जो जज्बा आदरणीय मोदी जी ने 8 सालों में जो देश के 135 करोड़ लोगों में जगाया है, ये उसका रुतबा है, उसका जोश है। आज हर भारतवासी कह रहा है देश पहले, और मोदी जी यही चाहते हैं। जब हर भारतवासी के मन में देश प्रथम भावना आ जाएगी तो हिंदुस्तान को कोई भी ताकत दुनिया का नंबर एक देश बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकती। और वो काम मोदी जी ने करके दिखा दिया है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का भरोसा मोदी जी पर काया भी नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी जो स्थानीय विधायक है उनकी दूरी इस कार्यक्रम से रही, देखिए ऐसा है वो किसी काम से बाहर है। विधायक भी हमारी पार्टी का है, हमायत व्यक्ति है, हमारा छोटा भाई है। आज किसी कारण से वो कहीं बाहर है, आ नहीं पाए, लेकिन अगले कार्यक्रम हम आपको मिलेंगे। नगर परिषद को देखिए, ये कार्यक्रम नगर परिषद की तरफ से जो रखा गया है, जो नवनिर्वाचित मंत्री जी नगर परिषद में पैसा नहीं है तो विकास होगा कैसे? हरेंद्र जी है, विकास होगा कैसे अगर नगर परिषद में पैसा ही नहीं है? तो देखा होगा पीछे भी 35-40 करोड़ रुपया दिया था नगर परिषद के लिए, लेकिन उसका आपके माध्यम से बताया कि दुरुपयोग हुआ था, क्या उसकी जांच होगी? ऐसा है ना, आप अगर लोग चाहेंगे उसकी जांच होनी चाहिए तो सरकार को जांच कराने के लिए तैयार है। आप बताइए कहाँ गड़बड़ हुई है, तो निश्चित तौर पर जांच होगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं। मंत्री जी आज मोदी जी के मनोहर जी की सरकार में दोषी व्यक्ति बचे एक ही रैली है, अब एक समय में हरियाणा में कई कई रैलियाँ हो रही होंगी, लेकिन कार्यकर्ता तो आज के कार्यक्रम में बटे हुए हैं। कोई नहीं बटा हुआ, एक मिलकर सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेता एक एक कार्यकर्ता है।